नमस्कार दोस्तों, आज दोस्तों बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो कि हर एक घर की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये जो प्रोडक्ट है, जैसे हम खाने पीने की चीज़ों को कंज्यूम करते हैं और ख़त्म हो जाता है, वैसे ये प्रोडक्ट है जो कि डेली कंज्यूम होता है, हमेशा हर घर की रिक्वायरमेंट है। अगर आप आपके बाजू वाले से भी पूछेंगे ये प्रोडक्ट, तो वो भी आपको लाकर देगा। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको बात करूं, तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ये है डिटर्जेंट केक बनाने का मशीन। दोस्तों आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन मशीन दिखाऊंगा, कैसे ये काम कर रही है, कैसे प्रोडक्ट बना कर देती है, हर एक चीज फिनिशिंग से लेके रॉ मटेरियल से लेके एवरीथिंग मैं आपको गाइड करूंगा और बताऊंगा। और दोस्तों साथ ही साथ में अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की नई वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे डिटर्जेंट केक का बिजनेस किया जा सकता है, कैसे इसमें ग्रो किया जा सकता है। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मशीन के लिए एक मटेरियल रेडी करने, और यहाँ पर कम्प्लीटली अभी हम जो मटेरियल है वो रेडी करेंगे, जिसे हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, ये डोलोमाइन पाउडर है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हाई क्वालिटी पाउडर है जिससे कि डिटर्जेंट केक बनाया जाएगा। और मिक्सिंग करने के बाद वो मटेरियल को हम इस मशीन में लगाएंगे और यहाँ पर इसका कम्प्लीटली मिक्सचर करके एक मटेरियल रेडी करेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, वो जो मटेरियल है उस मटेरियल को हम स्प्लूडर में लगाएंगे, जहाँ से हमें उसकी टिकिया बनानी है। अभी वन बाय वन पूरी प्रोसेस कवर करने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं किस प्रकार से डिटर्जेंट केक बनाया जाता है। और आज बिल्कुल लाइव आपको दिखाया जाएगा जो कि यहाँ पर अभी हम डिटर्जेंट केक बनाने वाले हैं। दोस्तों आप देख पाएंगे ये है स्लरी जो कि 10 किलो के वेट पर हम यहाँ पर ले रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा AOS है जो कि आप इसे बॉन्डिंग करने में काम आता है, इससे बॉन्डिंग से बहुत ही अच्छा डिटर्जेंट आपका बनता है। देख पाएंगे हाई क्वालिटी AOS मटेरियल जो कि 2.5 किलो के आसपास का मटेरियल रहता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे ये हमारा सिलिकेट मटेरियल, जो भी हमारी डिटर्जेंट केक होती है उसको बॉन्डिंग करने में काम आता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये 9 kg के आसपास का मटेरियल है, सिलिकेट मटेरियल।
इस तरीके की क्वालिटी अगर आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपका मटेरियल बहुत बढ़िया बनने वाला है। दोस्तों अभी हम यहाँ पर मिलाने जा रहे हैं सिलिकेट मटेरियल जो कि हमारे केक को बॉन्डिंग करने में काम आता है। देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पर ऐड कर दिया गया है और अभी हमारा जो मटेरियल है आप देख पाएंगे बहुत ही हाई क्लास मटेरियल यहाँ पर मिक्सिंग होता हुआ। दोस्तों अभी हम यहाँ पर जा रहे हैं, जो हमारा मटेरियल है वो चेक करने जा रहे हैं कि प्रॉपर मिक्सर हुआ है कि नहीं। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मेन जो मटेरियल का चेक करने का प्रोसेस कैसा है कि जब भी आप मटेरियल ले उसे जब आप दबाएंगे तो यहाँ पर वो चिपकना नहीं चाहिए। देखिए जैसे दबा रहे हैं तो ये चिपक नहीं रहा, दैट मीन्स कि आपका जो मटेरियल है वो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे मिक्सिंग हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको माल को चेक करना है और अभी जो अभी ये प्रोसेस आप देख पा रहे हैं अभी हम जा रहे हैं परफ्यूम ऐड करने। परफ्यूम ऐड करने से क्या होगा, जो आपका मटेरियल है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पर मटेरियल बनेगा, उसके से सुगंध आ जाएगा, परफ्यूम आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे और जैसे मटेरियल आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर अभी हम 200 ग्राम यानी कि 200 ग्राम यहाँ पर हम लोग तेल यहाँ पर ऐड कर देखेंगे। ये जो परफ्यूम है हमारा ये हमने 200 से 250 300 ग्राम तक हमने ऐड किया हुआ। दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर परफ्यूम को ऐड करने और आप देख पाएंगे बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर परफ्यूम ऐड कर दिया गया। दोस्तों परफ्यूम ऐड करते ही बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पर सुगंध आ रही है जो कि बहुत ही बढ़िया सुगंध आ रही है। दोस्तों यही जब आपका टिकिया बनेगा यानी कि जब केक बनेगा तब भी यही सुगंध आपको मिलने वाला है। यहाँ पर परफ्यूम ऐड कर दिया हमने 300 ग्राम के आसपास का, आप देख पाएंगे बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर मिक्सिंग हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा मटेरियल है बहुत ही हाई क्वालिटी यहाँ पर बन चुका है और अभी हम यहाँ पर जा रहे हैं हमारे मटेरियल को अनलोड कर रहे हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पर ये बहुत ही बेस्ट फैसिलिटी दी हुई है अनलोड करने के लिए। आपको इस तरीके से बकेट को लगा देना है और लगाने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से इसे इस हैंडल से ओपन करना है और जैसे जैसे आप ओपन करते जाएंगे दोस्तों आपका जो मटेरियल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आता जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो मटेरियल है वो हमारा यहाँ पर अनलोड होता है। अभी दोस्तों प्रोसेस में ये है कि हम यहाँ पर मटेरियल अनलोड कर रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जस्ट आपको ओपन कर देना है और यहाँ पर आपका मटेरियल इस प्रकार से अनलोड हो जाएगा। अब ये हमारा जो मटेरियल है अनलोड होने के बाद हम उसे ले जाएंगे हमारे इस मशीन पर और यहाँ से अभी हम बनाने वाले हैं इसका बहुत ही बेहतरीन डिटर्जेंट केक। तो चलिए बाकी की प्रोसेस देखेंगे कैसे डिटर्जेंट केक बनाया जाता है। देखिए दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट मशीन फ्रॉम सिग्मा टेक इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप देख पाएंगे हाई क्वालिटी प्रोडक्शन निकालती हुई मशीन। देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन यहाँ पर प्रोडक्शन निकाल कर दे रही है मशीन। यह है डिटर्जेंट केक मेकिंग मशीन जो कि आपको हाई क्वालिटी आपको डिटर्जेंट केक बनाकर देती है। मिनटों में आप देख पाएंगे यहाँ पर इतना सारा प्रोडक्शन मशीन ने निकाल कर दी थी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही फिनिशिंग है पूरा जो प्रोडक्ट है यहाँ पर बनकर रेडी है और अभी यहाँ पर हम इसे कटिंग करेंगे ताकि दोस्तों आपको परफेक्ट आइडिया कैसे प्रोडक्शन किया जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन और यहाँ पर मशीन अभी इसे कटिंग कर रही है। सारी चीज़ें आपको स्टेप बाई स्टेप दिखाई जा रही है कैसे किचन केक बनता है। तो अभी आपने हमारा प्रोडक्शन देखा था किस प्रकार से हमने यहाँ पर बेहतरीन प्रोडक्शन निकाला। अभी दोस्तों हम देखने जा रहे हैं आप किस प्रकार से डिटर्जेंट केक को काट सकते हैं। देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपको अपने डिटर्जेंट केक को रख लेना है और ये हमारा मैनुअल डिटर्जेंट कटिंग मशीन है। यहाँ पर इस तरीके से इसे कट किया जाता है और जो उसका वेस्टेज होता है वो इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है और यही चीज़ आप रीप्रोसेस कर सकते हैं मशीन में और इससे आपका डिटर्जेंट केक फिर से बन जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारा जो मटेरियल है बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कटिंग हो चुका है और यहाँ पर आप देख पाएंगे इसे यहाँ पर हम हफ्ती लगा रहे हैं। एक आप देख पाएंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हर तरीके से यहाँ पर किया हुआ है और दोस्तों यही प्रकार का बेस्ट क्वालिटी का आप यहाँ पर डिटर्जेंट केक बना सकते हैं और यहाँ पर ये मशीन आपको बहुत ही यूजफुल हो जाती है। देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन यहाँ पर प्रोडक्शन निकाल कर दे रही है।
यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या करना है, जितने डिटर्जेंट केक की रील है उसको आपको इस तरीके से लगा देना है। और लगाने के बाद आप क्या करेंगे, वन बाय वन देखिए इस तरीके से इसे लगा लेना है। और लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसे प्रेस कर देना है। और प्रेस करने के बाद जैसे आप इसको खींचेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो बट्टी है, आपका जो केक है, वो कट के यहाँ पर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर ये कट के रेडी हो गया है और यहाँ पर थप्पी लगाते जा रहे हैं, इसे यहाँ पर बनाते जा रहे हैं। सारी प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो हमारा डिटर्जेंट केक है उसे कटिंग किया जा रहा है। और आप देख पाएंगे बेहतरीन क्वालिटी की मशीन आपको मिक्सिंग करके देती है, डिटर्जेंट केक बना के देती है। और यहाँ पर आप आसानी से इसे कटिंग कर कर इस तरीके से आप पत्ती लगा लगा कर पैकिंग करके मार्केट में सप्लाई देते हैं। देखिए कितना बेहतरीन क्वालिटी का यहाँ पर मशीन आपको डिटर्जेंट केक बना कर दे रही है। अभी दोस्तों हम चलेंगे, यहाँ जो हमारे ऑनर थे जिन्होंने ये मशीन बाय किया है, उनका रिव्यू लेंगे, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि उनको कैसे ये आइडिया आया ये बिजनेस शुरू करने का। और साथ ही साथ में उनका रिव्यूज लेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी कंपनी के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ में दोस्तों कैसे ये प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सारी सब चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे उनके साथ में, और फिर आपको बताएंगे किस तरीके से सारा प्रोसेस होता है। सो दोस्तों अभी हम सबसे पहले तो सर के बारे में जानेंगे, उनके एक्सपीरियंस को समझेंगे कि कैसे वो ये बिजनेस में आए और क्या ऐसा सोच के उन्होंने शुरू किया जो कि आगे जाके उनको हेल्प आउट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने रिसर्च कैसे किया, क्या वो करना चाह रहे थे और कैसे ये बिजनेस में उतरे। तो सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ये बिजनेस कैसे शुरू किए, क्या ऐसा था जो आपको आइडिया आया। सर हम पहले तो दूसरी कंपनी से माल लेते थे और ऐसे हम छोटी छोटी दुकानों में माल की देते थे और हमको ऐसा लगा कि हम पूरा मार्केट कवर करें कैसे करें, तो हमने हमारा खुद का बिजनेस डालने का शुरू चालू किया। ऐसा हम कुछ विचार आया तो हमने हमारी कंपनी का नाम रखा है सुकन, सबके सुकन का साबुन दे। बिल्कुल बिल्कुल, सुकन सुकन ब्रांड, सुकन मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा सोच के अब हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। हाँ जी, ये मेरे पार्टनर है शांति भाई, मेरा नाम है गिरीश भाई पटेल, दोनों पार्टनर है और भी लोग हैं जो हमारे साथ काम करेंगे, राजेंद्र सिंह करके है और कुलदीप सिंह करके है। ओके, हम चार जनों ने एक साथ पार्टनरशिप करके वो काम चालू किया है। बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट में हमारा खुद का माल दे देंगे तो हम कम रेट से भी देंगे और अच्छी तरह से बिकाऊ कर सकते। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसीलिए वो विचार है और हमने वो बिजनेस स्टार्ट किया है। आज हमारा पहला दिन है। अच्छा, और तो जो सिग्मा कंपनी, सिग्मा टेक कंपनी, हाँ जी हाँ जी, उसका जो मशीनरी हमने ली है बहुत बढ़िया मशीनरी है, पहले दिन में हमारा बहुत बढ़िया माल निकला है। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, बहुत हमको सुकून मिला है, हमारा साबुन का नाम भी सुकून है और हमको भी सुकून मिला है। अच्छा अच्छा, तो देखिए दोस्तों सबसे बेस्ट बात आपको कहना चाहूंगा जो डिस्कशन करते हुए हमें समझ में आया कि सर पहले डिटर्जेंट का बिजनेस करते थे, यानी डिटर्जेंट केक का बिजनेस करते थे, बाहर से खरीदी करते थे और इससे क्या था, आज का कॉम्पिटिशन जमाना बहुत है, तो कॉम्पिटिशन में इसमें क्या है कि इसमें आप हम दूसरे दुकान में देना हो तो हम इसमें भाव में दिक्कत पड़ती थी, इसीलिए अब गिरीश भाई ने बोला कि मेरे पास तो अनुभव था, मेरा तो 35 साल हो गया, मैंने चालू किया 90 साल में मैंने चालू किया था, पर तब मैं वाइट पाउडर बनाता था और डिटर्जेंट केक नहीं बनाता, मैं तेलिया साबुन बनाता था, जो ऑयल साब जो आया था ना वही बनाता था। ये कच्छ में, कच्छ मांडवी, मांडवी का गांव है मेरा, गांव दर्शड़ी गांव है, गांव दर्शड़ी गांव में मेरा 35 साल हो गया। तो गिरीश भाई ने बोला कि इधर आ जाओ अहमदाबाद में, अहमदाबाद में बहुत मार्केट मेरे पास बहुत है, आ जाओ आपने इधर ही आप फैक्ट्री डाल दीजिए। तो हमने मैंने बोला कि मैं आपको दो हफ्ते में आपको मैं विचार किया बोलूँगा। तो मैंने देखा तो ये तो अहमदाबाद तो बड़ा शहर है, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं गलों का मशीन कहाँ से खरीदना है, तो मशीन खरीदने के लिए तो कितना घुमा, पच्चीस सिग्मा वाला का मैंने यूट्यूब में देखा, अरे देखा तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए इसके पास हम गया। वो मेरे पास तो जो डिटर्जेंट की केक की मेरी रेसिपी नहीं थी, वो सिग्मा वाले ने रेसिपी दी, अरे आज बढ़िया 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 बेस्ट क्वालिटी बनी है, आज देखो आज मैं सबको दिखाता हूँ मैं यूट्यूब के माध्यम से, बहुत बहुत अच्छी बनी है।
ये मार्केटिंग जैसे तो ये गिरीश भाई और राजेंद्र सिंह बहुत करते थे। ये हमारा माल लेकर सबको सुकून मिलेगा ऐसा हम सोचते हैं। हाँ। और ऐसा होगा बिल्कुल बढ़िया सा हमको हमारे पे ध्यान दिया है सिग्मा वाला ने और मशीनरी भी अच्छी दी है। पहले दिन में काम भी अच्छा निकला है और बढ़िया से हम बहुत सुकून मिला है। अच्छा अच्छा दोस्तों, अगर हम सुकून की बात करें तो मैं थोड़ा सा छोटे में आपको बोलना चाहूंगा कि सर का क्या फीलिंग है। तो सर ने क्या था कि सर पहले डिटर्जेंट केक का बिजनेस करते थे, बट कैसा, कहीं से लेकर सेल करते थे। अब प्रॉब्लम क्या आता था कि मार्केट में वो रेट कंट्रोल नहीं कर पाते थे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो रेट में उनको प्रोवाइड करता था तो आगे वो सेल नहीं कर पा रहे थे। फिर सर को एक आइडिया आया कि हम ऐसा क्यों ना करें कि खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें और ये करके हम मार्केट को एक अच्छे रेट में अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करें और जिसका नाम है सुकून डिटर्जेंट केक। तो यहाँ पर इनको ऐसा आइडिया आया कि ट्रेडिंग करने से अच्छा मैन्युफैक्चरिंग करके अच्छे मार्केट को अच्छे रेट में अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाए और ये करते करते आप ही के माध्यम से यानी कि यूट्यूब के माध्यम से सर ने हमको फाइंड आउट किया और मिले हमसे और यहाँ पर इन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया। और दोस्तों आप भी देख सकते हो बिल्कुल लाइव हमारा एक रिव्यू वीडियो है ये और आप देख पाएंगे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। अभी हम सर के साथ में काम करेंगे, यहाँ पर पूरा डिटर्जेंट केक बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आप भी बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। लग रहा है अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे यूट्यूब चैनल को ताकि इसी प्रकार के नए वीडियोस आप देख सकें।